हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग कुमार मौर्य। मैं मेरे यूट्यूब चैनल एचटेक कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज सीखने वाला हूँ ऐसे स्क्रीन के बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। जैसे लैपटॉप आपका पूरी तरह ऑन हो जाता है तब हम स्क्रीन पर रिफ्रेश करने के लिए माउस की राइट क्लिक करते हैं। डेस्कटॉप एरिया पर जिस ये आपको दिख रही है इस एरिया पर माउस की राइट क्लिक करेंगे, एक बार फिर हम रिफ्रेश कर देते हैं इसे। फिर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे इतने ऑप्शन आते हैं, तो इन ऑप्शनों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन के बारे में सीखेंगे क्या क्या होता है। जैसे मान लो हमने स्क्रीन पर माउस की राइट क्लिक किया तो हमारा व्यू ऑप्शन आता है। व्यू मीन्स क्या होता है? मीन्स होता देखना। तो यहाँ से हम सबसे लार्ज आइकन करेंगे। लार्ज लार्ज मीन्स क्या होता है? बड़ा। आइकन मीन्स आइकन या फोल्डर। तो हमारे आइकन या फोल्डर के बारे में यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम लार्ज आइकन कर देंगे तो हमारे आइकन बड़े हो जाए। और देखते हैं इसमें क्या दिखाई दे रहा है। व्यू में मीडियम आइकन दिखाई दे रहा है, तो हम मीडियम पर क्लिक कर देते तो मीडियम हो जाए। और देखो क्या दिखाई दे रहा है हमें व्यू में। व्यू में क्या होता है? देखना। स्मॉल आइकन आइकन के बारे में दिखा रहा है, यानी आपके आइकन छोटे हो जाए। और देखना व्यू में क्या दिखाई दे रहा है? अरेंज ऑटो आइकन। अरेंज ऑटो आइकन का मतलब होता है अरेंज, ऑटो में स्वतः, अरेंज मीन्स व्यवस्थित हो जाना, आइकन मीन्स आइकन या फोल्डर। आपने देखा होगा आइकन हमारे कहीं एक यहाँ यानी पूरी स्क्रीन पर बिखरे हुए होते हैं आइकन, तो उनको एक साथ करने के लिए हम व्यू पर जाते हैं, यहाँ ऑटो रेंज आइकन पर क्लिक कर देते हैं। जब टिक होता है यहाँ पर तब तो हमारे आइकन इधर उधर नहीं जाते हैं। अब मान लो हमारा टिक नहीं है तो ये आइकन हमारे इधर उधर पहुँच जाएंगे, जहाँ ले जाएंगे जिस आइकन को ले जाना उस पर माउस की लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसको जहाँ ले जाना उसको ड्रैग कर देंगे, क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, क्लिक किए रहेंगे और ड्रैग कर देंगे जहाँ। और मान लो हमको एक साथ रखना है आइकन तो यहाँ पर ऑटो अरेंज आइकन यानी एक साथ तुम्हारे व्यवस्थित हो जाएंगे आइकन जो है एक साथ व्यवस्थित हो जाएंगे। और देखो व्यू में क्या दिखाई दे रहा है। व्यू में होता देखना, ये आपका जो आपका चिन्ह बना है इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। ड्रॉप डाउन आगे लिखा अलिंग आइकन टू ग्रिड, यानी कि ऐसा जब होगा इस कंडीशन में आइकन आपको लगेगा दिखेगा कि हमारे आइकन जो है तो लाइन से कोई घेरा हुआ है या रखे हुए हैं, सिहारे हुए हैं आइकन को। जब यहाँ टिक नहीं हुआ तो आपके आइकन लाइन से तो लगे होंगे लेकिन आप कंफर्म के साथ नहीं बोल सकते कि हमारे आइकन लाइन से रखे हुए हैं। फिर वी में हम देखते हैं, वी में देखना तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? सबसे नीचे शो डेस्कटॉप आइकन। शो डेस्कटॉप आइकन यानी कि शो मान दिखना, डेस्कटॉप में डेस्कटॉप पे अरे स्क्रीन पर, आइकन में आइकन यानी कि हमारे आइकन डेस्कटॉप पर दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ टिक लगा हुआ, टिक मान लो हम हटा देते हैं, यहाँ से हटा देंगे ऐसे तो आइकन आपके डेस्कटॉप पे हाइड हो जाए यानी अनशो हो जाए। तो हम दोबारा लाने के लिए फिर व्यू पर जाते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे आइकन दोबारा फिर स्क्रीन पर आ जाते हैं। और देखते हैं इसके नीचे क्या है, शॉर्ट वे यानी कि क्या हम हमें कैसे व्यवस्थित करना है। जैसे आपके आपके आइकन जो है नेम के हिसाब से करना चाहते हो तो नेम पर आप क्लिक कर दोगे से तो नेम के हिसाब से आइकन आपके लग जाएंगे। जैसे ए वाला पहले आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा, फिर डी वाला आएगा, इस तरह से। फिर शॉर्ट बाय में देखते हैं साइज के हिसाब से कौन सा फोल्डर में कितना बड़ा है उसके हिसाब से लग जाएंगे। यहाँ साइज पर क्लिक करने से तब फिर हम माउस के राइट क्लिक करेंगे और फिर वी पर शॉर्ट बाय पर जाएंगे। फिर देखेंगे इसमें आइटम टाइप यानी कि किस इसमें आइटम टाइप का मतलब होता है किस फोल्डर में हमारे कितने प्रोग्राम भरे हुए हैं, जिसमें जितने प्रोग्राम भरे होंगे वो पहले आएगा यानी कि आरोही और रोही के क्रम से लग जाएंगे।
ऐसे इस पर क्लिक कर देंगे तो आरोही और रोही के क्रम से लग जाएंगे। फिर हम इस पर जाते हैं सॉर्ट बाय, यहाँ पर लिखा डेट मोड पर, यानी कि डेट परिवर्तन के हिसाब से लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लग जाएंगे। हाँ ऐसे क्लिक कर देंगे तो हमारे ऐसे लग जाएंगे। रिफ्रेश करने का हमको तो नहीं लग रहा था कि रिफ्रेश करने का मेथड, आप लोगों को मालूम नहीं कि इसका मतलब क्या होता है। रिफ्रेश का मतलब होता है तरोताजा होना। तो ये हम लैपटॉप जैसे अपना ओपन होता है पूरा, तो हमको इसको 3 से 4 बार रिफ्रेश करते हैं, मिनिमम 3 से 4 बार रिफ्रेश करते हैं, फिर हम कोई भी कार्य करना शुरू करते हैं। और देखो यहाँ लिखा ग्राफिक प्रॉपर्टी, यानी कि ग्राफिक के बारे में गुणवत्ता दिखाए, ग्राफिक के बारे में पूरा दिखा, कौन सी ग्राफिक है, इंटेल HD ग्राफिक्स, यानी कि डिस्प्ले के बारे में पूरा दिखाएगा आपको। तो ग्राफिक प्रॉपर्टी ज़्यादा आपके लिए उपयोगी नहीं है, ग्राफिक आपने भी ज़्यादा उपयोगी नहीं, लेकिन हम देख लेते हैं हार्ट की, यानी कि हार्ट की प्रदर्शित करना हो आपको, डिसेबल या इनेबल करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसा जो करना हो। यहाँ न्यू पर जाते हैं, ज्यादातर आपको न्यू फोल्डर बनाने की जरूरत होती है, तो हम यहाँ पर जैसे फोल्डर क्लिक कर देते हैं तो आपका फोल्डर बन जाता है, इसे ये फोल्डर आपको बन जाता है। इंटर दबा देते हैं, कीबोर्ड से इंटर दबा देते हैं तो हमारा वो सेव हो जाता है। इसको जैसे हम रीनेम करें या चेंज करें आइकन को, तो यहाँ रीनेम पर निकले, माउस के राइट क्लिक करेंगे उसी पर, और यहाँ पर रीनेम पर चले जाएंगे, और यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, इसको मिटा देंगे, यहाँ से बैक स्पेस मिटा देंगे, और यहाँ पर हम डाल सकते हैं अनुराग, ANU अनु डाल सकते हैं, और इसको हम सेव कर देते हैं, सेव हो जाता है। इसकी दृश्य को डालना हो, इसकी दृश्य को चेंजिंग आइकन, तो हम माउस के राइट क्लिक करते हैं इसी पर माउस के राइट क्लिक कर देंगे और प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, प्रॉपर्टीज पर जाकर माउस की लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पर कस्टमाइज पर जाएंगे, कस्टमाइज पर जाकर यहाँ पर चेंज आइकन लिखा है यहाँ पर क्लिक कर देंगे, फिर इसमें जो हमको अच्छा लगेगा वो आइकन लगा लेंगे, यहाँ पर लिखकर जैसे अच्छा लग रहा है इस पर लगा दिए आइकन, क्लिक कर दिए, यहाँ ओके कर देंगे, ऐसे ओके कर दिए, यहाँ पर जैसे अप्लाई करेंगे तो आपका आइकन चेंज हो जाएगा। देखो जैसे क्लिक किया वैसे आइकन आपका चेंज हो गया, ठीक, यहाँ पर ओके कर देंगे तो आपका आइकन ये पॉपअप जो है तो चला जाएगा, गायब हो जाएगा। और दूसरी बात देखते हैं न्यू में, किसी का भी शॉर्टकट बनाना हो तो हम यहाँ से शॉर्टकट पर क्लिक कर देते हैं, इधर पे इधर शॉर्टकट पर क्लिक कर देते हैं, शॉर्टकट बन जाते हैं उसके। पर्सनलाइज में देखते हैं क्या है, पर्सनलाइज में जैसे आपको वॉलपेपर सेट करना होता है, वॉलपेपर जैसे आपको सेट करना होता है तो वॉलपेपर हम लगाते हैं यहाँ, ये आपका प्रीव्यू होता रहेगा यहाँ से, जैसे ये लगाएंगे ये लगाना है ये लगा, यहाँ से प्रीव्यू होता रहेगा, जैसे आपको देखना कि ऐसा वॉलपेपर हमारे डेस्कटॉप पर लगा है कि नहीं लगा है, तो यहाँ से हम एक बार क्लिक करते हैं यहाँ पर कट कर देंगे तो हमारा दिखेगा वॉलपेपर लगा है। अगर ये वीडियो से आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है या कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, तो उस पर हम वीडियो एक बना देंगे आपके समझने लायक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।